नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है और सब लोग बहुत सारे संकल्प लेकर इस साल की शुरुआत करते हैं और चाहते हैं कि उनका आने वाला साल मंगल में बीते। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपका साल। तो दोस्तों, बात करेंगे धनु राशि की। नौकरी पेशा लोगों को इस वर्ष जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना है। अपने सहयोगी और अपने उच्च अधिकारी लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाएं। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अपने उच्च अधिकारी को खुश करके ही और उनके सहयोग के कारण ही तरक्की की सीढ़ी पर आप पहुंचेंगे और आपके प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है और कंपनी की तरफ से आपको सुख सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है। अगर नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो समय उत्तम है। जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए भी ये समय उच्च है। कार्य क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। अगर कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र में जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो किसी भी विवाद से आपको बचना चाहिए। इस वर्ष की गई मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। सरकारी या निजी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। किसी जगह फंसा हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है। शॉर्टकट या कम मेहनत से धन कमाने का विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो इस समय उसे भूल जाएं। शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो दोनों हाथों से लाभ लेने के लिए तैयार हो जाएं। लव रिलेशन, ये साल आपके लिए प्यार भरा होगा। अगर आपके रिश्तों में टकरार है या आपके रिश्तों में जो दूरी पहले से रही होगी अब वह समाप्त होने की कगार पर है। जिन जातकों की लाइफ में कोई नहीं है वे जरा खुद पर ध्यान दें। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत भी की जा सकती है। साथ ही आपको प्रेम से जुड़े कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। आप एक दूसरे को उपहार देकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। कुछ लोगों की लव मैरिज की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंगों के लिए यह साल धमाकेदार रह सकता है, जिसे वे गुप्त रूप से आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। इससे आगे चलकर उन्हें परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जो जातक विवाह करने का मन बना रहे हैं उनके लिए नए जीवन का सूत्रपात होने वाला है, यानी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के संपन्न होने का समय भी है। स्वास्थ्य यानी सेहत, ये साल सेहत के प्रति आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। सेहत के प्रति लापरवाही ना बरते। बाहर का खाना आपके लिए बीमारी के दरवाजे खोल सकता है, इसलिए बाहर का खाना जैसे जंक फूड इत्यादि से परहेज करें, वरना पेट की तकलीफें हो सकती हैं। अगर समय रहते आप सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। आप अधिक असंतोष से भर सकते हैं, वो मानसिक तनाव रह सकता है। जो लोग मधुमेह और मोटापे की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें अपना विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इस समय ये रोग आपको अधिक प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने पर अधिक बोझ ना डालें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को दूर रखें। नियमित कसरत और योग अभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संगीत एवं अपनी रुचियों से जुड़े कार्यों में ध्यान लगाएं, इससे आपका मन अशांत होने से बचेगा। इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहेंगे। व्यवस्था के बावजूद आराम के लिए पर्याप्त समय निकालें, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सुझाव, पहला, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। दूसरा, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मीठी बूंदी चढ़ाएं। तीसरा, विष्णु जी की रोजाना पूजा करना फायदेमंद रहेगा। चौथा, हल्दी, पीली दाल, चंदन व केसर का अधिक प्रयोग करें। पांचवा, नहाने के उपरांत मस्तिष्क पर पीले चंदन का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि। मैंने आपको बताई धनु राशि की कुछ विशेषता। आशा करती हूँ कि आपका आने वाला साल शुभ हो। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।